हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने फैक्टर निकालना सीख लिया है। अगर हमें एससीएफ निकालना है तो हमें फैक्टर भी पता होने चाहिए और प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए हम आसानी से एससीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड की। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, फैक्टर एंड प्राइम। ठीक है, अगर आप फैक्टर की बात करें तो मैं इसको पहले ही समझा चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और प्राइम नंबर्स भी के भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा या प्राइम नंबर वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको प्राइम नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर के थ्रू, जैसे आप किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं या कुछ अरेंजमेंट आते हैं, उन अरेंजमेंट को हमें और फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज मतलब उसको और प्रोडक्ट्स में तोड़ना है, और ऐसे प्रोडक्ट्स में तोड़ना है कि फाइनली हमारे पास जो नंबर आए वो प्राइम नंबर ही में ही लास्ट में हमारे पास बचे, और कोई भी उसमें नंबर मतलब कंपोजिट नंबर या अदर नंबर ना बचे, केवल प्राइम नंबर ही बचे, तो हमें ऐसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हम करते हैं फैक्टर ऑफ 24, 24 के फैक्टर करते हैं। आइए सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आप लोग कॉम्बिनेशन जानते हैं, दैट इज 1 × 24, 2 × 12, ठीक है, 3 × 8, और एक कॉम्बिनेशन और रह गया 4 × 6, तो ये सारे इसके कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली आप इसके फैक्टर आराम से लिख भी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये इसके फैक्टर हो गए, बट हमें अब उस पर बात नहीं करनी है, हमें प्राइम फैक्टर पर बात करनी है। प्राइम फैक्टर पर हमें क्या करना है, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है उनको और ज्यादा फैक्टराइज करना है, उनको और ज्यादा तोड़ना है, जिससे वो उनको हम प्राइम नंबर्स में निकाल सकें। ठीक है, अब अगर पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहला कॉम्बिनेशन में 24 नंबर ही है, ठीक है, तो इसको तोड़ना जरा हार्ड है, तो इसको हम नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद की जितने भी कॉम्बिनेशन है, उसके बाद की जितने भी कॉम्बिनेशन है वो पहले से ही टूट गए हैं, और उनको और तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी हमारे पास आंसर निकल आएगा। 24 वाला कॉम्बिनेशन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसको हमें फैक्टराइज जब हम करेंगे, इसके और फैक्टर तोड़ेंगे तो वो बराबर से ही बात बैठ जाएगी और बहुत लंबा हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमें लंबा नहीं खींचना है, कम समय में करना है, तो हमें जितने इसके और कॉम्बिनेशन है उनको और ज्यादा फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही फैक्टर हो गया, एक स्टेप हम इसमें चल चुके हैं और बाकी अब हमें दो एक और स्टेप चल के आंसर हमारे पास प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन के हमने ये तीन कॉम्बिनेशन यहाँ लिख लिए, ठीक है, और इनको और ज्यादा फैक्टराइज किया। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पहला कॉम्बिनेशन हमने लिखा है 2 × 12, ठीक है, 24 का फैक्टर का कॉम्बिनेशन है 2 × 12, तो 2 तो पहले से ही प्राइम नंबर है तो हमें इसका फैक्टर और इससे ज्यादा फैक्टर इसका नहीं हो सकता। ठीक है, बट 12 का फैक्टर हो सकता है, 12 का क्या फैक्टर हो सकता है, जैसे 12 को 2 × 6 में तोड़ा जा सकता है, तो 12 के क्या फैक्टर हो गए, 2 और 6, तो यहाँ हमने 2 और 6 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ फिर से इस 2 का तो कोई मतलब रह नहीं जाता क्योंकि ये फिर से और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, पर 6 का फैक्टर हो सकता है, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर हो सकता है 2 × 3, तो फाइनली अब हमारे पास जो अरेंजमेंट निकल के आया वो आया 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये जो 2 नंबर है, ठीक है, और ये जो 3 नंबर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा अदर नंबर, प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा अदर नंबर इस अरेंजमेंट में नहीं है, तो ये जो आंसर निकल के आया ये प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए ही निकल के आया। ठीक है, क्लियर, ये हमारा प्राइम फैक्टर है जिसमें केवल हमारे पास प्राइम नंबर ही आते हैं। ठीक है, ये फैक्टर निकाल रखा है और केवल इसमें आएंगे आपके पास प्राइम नंबर। ठीक है, आइए अब 24 का दूसरा 4 × 6 वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, 4 × 6 वाला करेंगे तो 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2 है तो वो हमने यह कर दिया, 6 को अभी ऐसे ही लिखा है। ठीक है, फिर 6 को फैक्टराइज किया हमने 2 × 3 में, तो टोटल कॉम्बिनेशन फिर से सेम बन गया, 2 × 2 × 2 × 3, क्लियर। ठीक है, ऐसी 3 × 8 का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो 3 को हमने ऐसे ही लिख दिया, 3 को एज इट इज लिख दिया, और 8 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, 2 × 2 × 2, मतलब कॉम्बिनेशन कहने का मतलब फैक्टर।
ठीक है, ये हमारे 8 के फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया तीनों का सेम है, और ये किसके जरिए आया, प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए। क्लियर, आपको ये बात समझ में आई बेटा? अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टर को इजीली सॉल्व करने का जो तरीका है वो फैक्टर ट्री है। क्या है वो? फैक्टर ट्री। मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर ट्री। क्लियर। अब मान लेते हैं हमारे पास 24 नंबर है, ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 24 को आप दो कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हैं, कौन कौन से? एक ले लीजिए आपका 12, एक ले लीजिए 2। क्लियर, दो कॉम्बिनेशन मतलब दो फैक्टर निकल गए 24 के। अब 12 का फैक्टर करिए, क्योंकि 2 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, तो इसको तो और फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 2 को फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 12 का है, 12 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 12 का, ठीक है, 6 into 2। क्लियर। अब यहां 2 को फिर से और फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर में आ गया है, ठीक है। वही 6 को हमें और फैक्टर करना है, 6 को अगर हम और फैक्टर करेंगे तो 6 का क्या आएगा, दैट इज 3 into 2। अब फाइनली आप इस फैक्टर ट्री को देखिए, आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया, ठीक है, ये वही कॉम्बिनेशन है जो बाकी सब कॉम्बिनेशन के जरिए हमने प्राइम फैक्टर में अभी निकाला था। इससे पहले आप अगर देखेंगे तो उसमें यही कॉम्बिनेशन निकल गया था, 2 into 2 into 2 into 3। तो ये हमारा फैक्टर ट्री के जरिए, ठीक है, ये एक आसान तरीका है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा लीजिए और फैक्टर ट्री यूज कीजिए, और इसका आप प्राइम मेथड का पूरा एक सॉल्यूशन आप आराम से निकाल देंगे, ठीक है। एक और तरीका है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी डिजिट आ जाती है, आपके पास आ गया है मान लीजिए 980 नंबर, ठीक है। अब आप कहां तक उस ट्री का यूज करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इस तरीके में हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, जैसे हमारा प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 and so on, जितने भी प्राइम नंबर है, उन सभी नंबर के द्वारा इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं डिवीजन मेथड। अगर हमारे पास डिजिट बहुत बड़ी आ जाती है तो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, ना कि फैक्टर ट्री का। ये सब प्राइम फैक्टर मेथड के जरिए ही हो रहा है, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड का ही एक पार्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें या प्राइम नंबर से डिवाइड करना, सबसे पहले छोटे वाले नंबर से को लेके चलेंगे, उसके बाद धीमे धीमे बड़े होते हैं। तो आप अगर इसको करेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, 490। ये आपका जो भागफल हैगा, क्या हैगा, ये आपका भागफल, और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है। अब इसको फिर से क्या 2 से और काट सकता है, क्या कट सकता है 2 से? ठीक है, कट के ये आ गया। इसके बाद इसके पीछे 5 आ गया, तो अब इसलिए 2 से नहीं कटने वाला और 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। केवल प्राइम नंबर से ही हमें डिवाइड करना है, केवल प्राइम नंबर से ही हमें डिवाइड करना है, अगर हमारे पास बड़ी डिजिट है तो हमारे पास फैक्टर, पूरे फैक्टर निकल के आ जाएंगे इस डिजिट के, पूरे फैक्टर 980 नंबर का पूरा फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 49 आप सब जानते होंगे कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्लियर। तो हमारे यहां फैक्टर क्या निकल गया है, फाइनली 900 फैक्टर ऑफ 980 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7 into 7।
ठीक है, फैक्टर ऑफ 980 निकल गया। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर मेथड में दो सिंपलेस्ट तरीके सिखाए। सबसे पहले फैक्टर ट्री सिखाया, अगर आपके पास छोटी डिजिट है तो आप फैक्टर ट्री के जरिए उसका उस नंबर उस डिजिट के फैक्टर निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बड़ी डिजिट है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, डिजिट है या वैल्यू है, तो आप डिवीजन मेथड, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं डिवीजन मेथड, ठीक है, ये सब प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, डिवीजन मेथड के जरिए। इसमें आपको क्या करना है, बड़े नंबर्स को आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। तो आपके पास जितने भी प्राइम नंबर थे जो यूज हो सकते हैं, धीमे धीमे जैसे 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 आपको लग रहा है कि संख्या इस वाले प्राइम नंबर से कट जाएगी, तो आप काटते चले जाइए, और आपका जो भागफल है मतलब कोशेंट है वो तब तक कटते रहना चाहिए जब तक वो वन ना आ जाए। देखिए यहाँ ये वन आ गया, ठीक है, ये तब तक कटता रहना चाहिए जब तक वो वन ना आ जाए, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर निकल के आए 980 के, वो ये फैक्टर, ठीक है। अब आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड जान गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ SCF एंड LCM सिखाऊंगा, जिसमें प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके मैं आपको SCF और LCM निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू, चल भाई।